उत्क्रमित उच्च विद्यालय जहाजों में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का हो रहा है खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। वर्ग 9 से 10 तक में नहीं है एक भी शिक्षक। माध्यमिक परीक्षा शर पर हाई स्कूल में 182 बच्चे अध्ययनरत है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय जहातु में 462 बच्चे अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक के नाम पर सिर्फ 2 सरकारी शिक्षक और 1 पारा टीचर है, इनके भरोसे चल रहा है पूरा विद्यालय। हाई स्कूल में जो 9 से 10 तक पढ़ाई हो रही है वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। पिछले चार सालों से बच्चे प्राइवेट में ट्यूशन करके पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट कर रहे हैं, और यहाँ शिक्षा अधिकार अधिनियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। आइए हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं कि क्या स्थिति है विद्यालय की। सर, क्या स्थिति है विद्यालय की? हाँ, वर्तमान विद्यालय में 462 स्टूडेंट अध्ययनरत है और यहाँ केजी से 10 तक का पढ़ाई होती है, लेकिन हाई स्कूल के लिए शिक्षक बिल्कुल नहीं है। ऐसे 6 to 8 में भी शिक्षक की कमी है और यही दिक्कत है। बच्चे लोग अभी लॉकडाउन के चलते सब बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब स्कूल पूरा खुल जाएंगे तो हम लोग का दिक्कत यहाँ होता है। SMDC के अध्यक्ष हैं देवानंद जी, हमारे साथ हैं, बात करते हैं कि क्या दिक्कत होती है, कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया, क्या स्थिति है? हमारा स्कूल 2017 में अपग्रेड हुआ है, उत्क्रमित हुआ है। उसी दिन से हमारे स्कूल में उच्च विद्यालय के तो शिक्षक है ही नहीं, मध्य विद्यालय के शिक्षक का भी कमी है। अभी 3 शिक्षक है जो मध्य विद्यालय से रिलेटेड रखते हैं, उत्क्रमित हाई स्कूल से कोई टीचर है नहीं। हाल ही जनवरी महीना में आए हुए हैं 20 या 24 तारीख को, वो भी निरीक्षण करने आए थे स्कूल में, बच्चों को देख के गए, खुशी भी हुए, बोले आपका स्कूल बहुत अच्छा है, हम टीचर की व्यवस्था करते हैं। दो दिन करते आज पूरा पूरे 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक का शिक्षक का व्यवस्था नहीं किए हैं। लॉकडाउन के समय में भी हम लोग जिला कार्यालय जा चुके हैं और सिर्फ हम लोग को वहाँ भी आश्वासन नहीं मिलते आ रहा है, इसलिए हम लोग इस पर ठान लिए हैं अगर 15 मार्च तक शिक्षक की समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तो हम लोग विद्यालय में तालाबंदी कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारे साथ हैं पूर्व शिक्षक जो यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, निखिल मंडल जी, उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है, कैसे इसको दूर किया जा सके। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जहातु मध्य विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कम से कम 16 शिक्षक होना चाहिए और शिक्षा विभाग का अधिकारियों का बदनीयत से कि ग्रामीण क्षेत्रों का बच्चे पढ़े लिखे नहीं, उनको बर्बादी कराने के लिए सिर्फ 3 शिक्षक, 2 सरकारी शिक्षक और 1 पारा शिक्षक इस विद्यालय में है। शिक्षा विभाग का अधिकारी पर बच्चे का भविष्य बर्बाद करने का आरोप में एक क्रिमिनल केस होना चाहिए तमाम जिला से लेकर राज्य तक। उत्क्रमित उच्च विद्यालय जहातु जो हम 10 क्लास में पढ़ते हैं और मैट्रिक का परीक्षा सामने पहुंच रहा है, पढ़ाई में मतलब दिक्कत तो हो रहा है, फिर हम लोग ट्यूशन वगैरह से मैनेज कर लेते हैं और फिर थोड़ा इधर उधर से पैसा जमा करके हम लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ लेते हैं और फिर स्कूल में पढ़ाई चल रहा है, मतलब इतना नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा स्कूल में 3 ही टीचर है, इसी कारण मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और